हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस प्यारे से निटिंग पैटर्न को बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है और इस डिज़ाइन को आप अपने ऑल प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि लेडीज, जेंट्स, गर्ल्स, बेबी, हर किसी के स्वेटर पे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। ये बनाने में बहुत ही ईजी है। डिज़ाइन जो है केवल 8 सिलाई का है, यानी कि 8 रो में ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाता है। ये देखिए, इसका बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखता है और ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे जो है ना, हमने 4 के मल्टीपल पे लेने हैं, यानी कि 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, 4 के जोड़े पे हमने फंदे रखने हैं। लास्ट में हमने 3 फंदे इसमें और ऐड करने हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसे, देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, इस पर मैंने डाले हैं 15 फंदे, 12 फंदे मैंने डिज़ाइन के लिए लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो टोटल इस तरह से ये 15 फंदे यहाँ पर हो गए हैं। पहली सिलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे, रो वन राइट साइड पहला फंदा स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे, इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2, इसके बाद 1 फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में यहाँ पे 3 फंदे बचेंगे, तीनों को हमने सीधा बनाना है। तो पहली सिलाई हमारी यहाँ पे इस तरह से आएगी। देखिए, किनारे पे हमारा एज को छोड़ के 2 सीधे आते हैं, 1 फंदा स्लिप करना है, फिर 3 सीधे 1 स्लिप करेंगे, लास्ट में 2 सीधे और 1 एज स्टिच। किनारे किनारे पर हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे और एज स्टिच भी सीधा आएगा। ठीक है, बीच में एक एक फंदा, बीच में 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 स्लिप करना है। दूसरी सिलाई देखिए, उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा उतारेंगे, इसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और जो फंदा हमने स्लिप करा है पिछली बार उसे अब की बार भी स्लिप करेंगे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, यानी कि जो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमने उल्टा बुनना है और जो ये वाला फंदा है इसे अब की बार भी बिना बुने ही रहने देना है। तो दूसरी सिलाई हम इस तरह से यहाँ पे ओवर करेंगे। जो फंदा हमने बिना बुने पिछली बार रखा था, इस बार भी हमने वही फंदा बिना बुने रखा है और बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं। तीसरी सिलाई बनाएंगे सीधी तरफ से, थर्ड रो राइट साइड, बिल्कुल फर्स्ट रो जैसे बनाना है। एज स्टिच को सीधा उतारेंगे, किनारे पे 2 सीधे और 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर बीच में जितने भी फंदे आएंगे 3 फंदे सीधे और 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, लास्ट में 2 फंदे सीधे और एस स्टिच भी सीधा। तो तीसरी सिलाई हमने यहाँ पे इस तरह से बनानी है। ठीक है, चौथी सिलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से, फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे। अब देखिए, धागा पीछे कर देना है, जो फंदे ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमने सीधा बनाना है, यानी कि किनारे पर 2 फंदे सीधे हैं और जो हमने बिना बुने स्लिप करा है उस फंदे को इस साइड से उल्टा बनाना है ऐसे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, लास्ट में 2 फंदे सीधे और एज स्टिच उल्टा। तो देखिए, यहाँ पे चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखिए पांचवी सिलाई आएगी हमारी सीधी तरफ से। अब की बार ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया है। 1 फंदा स्लिप करा और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3, 1 स्लिप करना है, फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर से 1 फंदा स्लिप करना है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3, 1 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट का एज स्टिच जो आएगा उसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पांचवी सिलाई इस तरह से आएगी। देखिए, छठी सिलाई उल्टी तरफ से, 6 रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे। तो देखिए, जो ये फंदा हमने पिछली बार स्लिप करा है उसे अब की बार भी स्लिप करेंगे। ठीक है,
और जो ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा ही बनाना है, यानी कि तीन फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो और ये तीन। फिर जो ये वाला फंदा है इसे हमने बिना बुने इस तरह से रखना है, यानी स्लिप करना है। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, एक दो तीन, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसा करते करते एस स्टिच को हम उल्टा ही बना देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी छठी सिलाई ओवर हो जाएगी। देखिए सातवीं सिलाई सीधी तरफ से आएगी, सेवेंथ रो राइट साइड से। पहला फंदा सीधा उतारेंगे, इस फंदे को अबकी बार भी स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन। जो स्लिप करा हुआ है फंदा इसे अब की बार, इस फंदे को हमने तीन बार स्लिप करना है, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से। तीन सिलाइयों पे हमने इस फंदे को बिना बुने ही रहने देना है। चौथी सिलाई पे हमारा उल्टी तरफ से ये फंदा बुना जाता है, ठीक है। एक दो और तीन बिना बुने ही रहने देंगे, एक दो तीन, इसे बिना बुने ही रहने देंगे। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी सेवेंथ रो ओवर हो गई है, सातवीं सिलाई। अब देखिए आठवीं सिलाई बनाएंगे हम उल्टी तरफ से, एट्थ रो रॉन्ग साइड, और ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो है। पहला फंदा हमने उल्टा उतारना है, इसके बाद जो फंदा हमने स्लिप करा है उसे अब की बार उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, और जो ये तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है, एक दो और तीन, ठीक है। अब इन्हीं चार फंदों को रिपीट करना है, एक सीधा, सॉरी एक उल्टा और तीन सीधे। तो देखिए ये जो फंदा है इसे हम उल्टा बनाएंगे, जो हमने स्लिप करा है तीन बार उसे चौथी बार, चौथी सिलाई में इसे उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें सीधा बनाना है। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। और एस स्टिच को भी हमने उल्टा ही बनाना है, क्योंकि ये उल्टी तरफ से है तो इसे उल्टा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी आठ सिलाइयाँ टोटल हो गई हैं, और सीधी तरफ से देखिए इस डिज़ाइन को, ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से दिखने लग गया है। थोड़ा सा हमने इस पर बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाने के बाद ही ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना बॉर्डर के ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से फोल्ड होता है नीचे से, तो इसके लिए बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर बनाने के बाद ही आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा, देखिए जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बनाएंगे तो ये ब्यूटीफुल सा इस तरह से दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।